हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, दैट इज फ्रीक्वेंसीज एंड ओ चैनल्स। चैनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वायरलेस टेक्नोलॉजी में। अगर आप एक अच्छी डिजाइनिंग कर रहे हैं और अगर उसमें ओवरलैपिंग चैनल नहीं है, आपका वाईफाई कभी काम नहीं करेगा सिमलेसली, कभी अच्छी तरीके से यूजर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कैसे काम करते हैं, क्या ये होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तो हम इसको पूरे डिटेल में जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो बने रहे वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी एंड लेट स्टार्ट। सो फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसीज, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो वायरलेस जो है, वायरलेस एक ऐसी वेकेंसी, एक वेव्स है जो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ठीक है, ये एक एक तरह की मैं कैसे लेट मी एक्सप्लेन सम वर्ड, लाइक इट्स ए रेडियो एक्टिव टाइप की कुछ वेव्स है जो लाइट के साथ या जो हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज के साथ, सिग्नल के साथ काम करती हैं। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, मैं अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक होती है लाइसेंस्ड, एक होती है अनलाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हमने प्रिक्योर की होती है, जैसे बड़े बड़े आईएसपी इसको प्रिक्योर करके रखते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये अपने अपने फ्रीक्वेंसी प्रिक्योर करके रखते हैं। ये उनपे इनका पेटेंट होता है, उनका कॉपीराइटेड होता है, उनको खरीदी हुई होती है ये फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी कोई और नहीं ले सकता। तो अगर आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स पे टावर लगे होते हैं, तो यहाँ पर ये एयरटेल का टावर लगा होता है, और दूसरी थोड़ी दूर पे बिल्डिंग पे ये वोडाफोन का टावर लगा होता है, तो यहाँ पर यूजर को एयरटेल के भी सिग्नल मिलते हैं और वोडाफोन के भी सिग्नल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यूजर कभी एयरटेल से कनेक्ट हो रहा है, कभी वोडाफोन से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो होती है, ये आपकी परचेज्ड प्रिक्योर्ड लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती ना, ये और एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। तो ये होगी, ये तो होगी प्रिक्योर वाली, जिसपे आईएसपी अपना प्रिक्योर करके रखते हैं अपने अपने सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत हैवी होती है। अगर आप मोबाइल में, जो हमारे पास सपोज दैट किसी के पास वोडाफोन का है, एयरटेल है, जियो है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की सिम है, नेटवर्क है, तो वो हम अगर बेसमेंट में भी हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम मेट्रो में हैं, बस में हैं, ट्रेन में है, कहीं भी हैं, हमें सिग्नल अच्छे आते हैं। तो इनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हैवी होती है, और क्योंकि ये लाइसेंस्ड होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी, इनकी रेंज भी ज्यादा होती है। बट ये तो होगी परचेज वाली, बट लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे, हमने घर में अपने लोकल लोकल वायरलेस सेटअप बना रहे हैं, या अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में वायरलेस सेटअप बना रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी परचेज नहीं कर सकते। कोई भी अगर हम घर में छोटा मोटा, हम छोटा सा हमने कोई सेटअप बनाया, हम नहीं परचेज कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसीज होती है। कौन सी होती है, वो होती है 2.4 GHz और 5 GHz। ये दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको हम अनलाइसेंस्ड बोलते हैं, और इन दोनों लाइसेंस फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज है बहुत कम होती है, ये किलोमीटर में नहीं होती है, मीटर्स में होती है खाली, और इनकी स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती है, और ये अनलाइसेंस्ड है तो ओवरलैपिंग भी होती है इसमें। अगर ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे आपने, आपका एक एपी यहाँ लगा हुआ है, बगल में कोई दूसरी बिल्डिंग है वहां पर भी एक एपी एक लगा हुआ है, ये भी आपके 2.4 पे काम कर रही है, ये इसका भी आपका 2.4 पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों का सिग्नल ओवरलैप होगा। तो ये सब चीजें होती हैं, जैसे रॉग एपी है, वो किसी ने रॉग एपी लगा दिया, वो 2.4 पे काम कर रहा है, 5 GHz पे काम कर रहा है, उसके चैनल ओवरलैप हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये सब जो जो इश्यूज है वो क्रिएट होते हैं वायरलेस नेटवर्क में। तो हमें ये सब चीजें जब सर्वे करते हैं, नेटवर्क इंप्लीमेंट करते हैं, वायरलेस की डिजाइनिंग करते हैं, तो ये सब हमें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है सर्वे के टाइम पे, कि मेरा एपी कहाँ लगा हुआ है, उसके आसपास कहाँ क्या लगा हुआ है। कोई जैसे हम कई बार कैंटीन में होते हैं, बड़े बड़े मेस में जब हम साइट सर्वे करते हैं,
तो हम अवॉइड करते हैं जहां पर माइक्रोवेव्स हो वहां पर हम एपी ना लगाएं, क्योंकि माइक्रोवेव्स भी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे माइक्रोवेव्स पे काम करता है माइक्रोवेव, और आपकी एपी भी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, तो यहां पर आप सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे आपकी। तो ये सब चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये तो मैंने बात की कि अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है, तो ये होगी मेरी 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो अगर मैं फर्क की बात करूं इसमें, तो मैं आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ डिफिनेशन दिखाई थी, इसमें भी मैं आपको उसी तरीके से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ पाएगी, आपको नोट्स बनाने में भी इजी रहेगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से लिखे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में इसको बेटर तरीके से। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, तो अगर आप इस पर देखेंगे तो ये देखिए, यूज्ड बाय 8.11 BGN IEEE स्टैंडर्ड। तो ये कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरे 2.4 है, ये मेरे 11 802.11 11 BG और N पे सपोर्टेड है। चैनल 1611 होते हैं जो नॉन ओवरलैप चैनल होते हैं। 2.4 की जो मॉड्यूलेशन है वो DSSS मॉड्यूलेशन यूज करती है, और उसकी डाटा रेट्स 1 Mbps 2 Mbps 5.5 और 11 Mbps डाटा रेट्स होती है। तो 2.4 थोड़ी सी कंपेरेटिवली 5 गीगाहर्ट्ज़ स्लो है, बैंडविड्थ उसकी कम है। उसी तरीके से 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो ए और एन पे काम करती है। इस पे आप देखेंगे, इस पे ए पे 2.4 802.11 ए पे काम नहीं करती, बट एन पे करते हो कि एन जो है मेरा 2.4 भी सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ भी सपोर्ट करता है। एन जो है मेरा 2.4 और 5 दोनों सपोर्ट करता है, लेकिन ए मेरा 2.4 सपोर्ट नहीं करता। दूसरी जो 8. स्टैंडर्ड है उसकी डाटा रेट 6 Mbps टू 54 Mbps की मेरे पास डाटा रेट्स मिलती है। इसकी जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल है, मेरे पास 23 नॉन ओवरलैपिंग चैनल मिलते हैं। यहाँ पर मुझे 3 मिल रहे थे 1611, यहाँ पर मुझे 23 और नॉन ओवरलैपिंग चैनल मिलते हैं। इनकी डाटा रेट की बात करूं अगर मैं, तो ये होगी 6, 9, 12, 50 up to 54 Mbps डाटा रेट मुझे मिल जाती है। और इस पे जो मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी है वो OFDM यूज होती है। तो ये जो OFDM और DSS को अभी हम पार करते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती है, कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी पे कैसे मॉड्यूलेशन करती है। ये मेरी 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात हो गई। अब क्योंकि ये इसका जो टॉपिक, जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो वायरलेस चैनल एंड फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमने बात की 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे। दो तरह की फ्रीक्वेंसी अनलाइसेंस्ड होती है, जो मेरे एक्सेस पॉइंट पे यूज होती है, कॉर्पोरेट वायरलेस नेटवर्क पे मेरी यूज होती है। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग चैनल, जो मैं बात करता हूं नॉन ओवरलैपिंग चैनल, तो ये इनका मतलब क्या है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये हम जो यहां पर हम मैंने टॉपिक लिखे हैं, एक तो कि ओवरलैपिंग व्हाट इज चैनल और नॉन ओवरलैपिंग चैनल, इन तीनों अगर बात करूं एक्चुअली में ये है क्या, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। तो ओवरलैपिंग का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया, सपोज मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं यहां पर, शायद ये इससे पहले कि मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूं कि चैनल्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ये डायग्राम पे थोड़ा आप फोकस कीजिए तो आपको क्लियर होगी। देखिए, ये मेरा एक फ्रीक्वेंसी चार्ट है, ये मेरा 2.4 का है, ये जो फ्रीक्वेंसी चार्ट है ये मेरा 2.4 का है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास आ रही है 1 से लेके याद ही देखिए। ठीक है, अब इस पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं तो ये देखिए यहां पर ये इस तरह से आ रही है, तो ये आ रही है मेरी, ये हो रही है और ये है और ये है, बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी मेरी ओवरलैप हो रही है। यहां पर देखिए सब मेरी ओवरलैप हो रही है,
बट ये जो वन चैनल, ये चैनल वन ये वाली, उसके बाद ये वाली और ये आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रही है। बाकी एक बाकी जो एक नंबर चैनल है वो दो नंबर पे ओवरलैप है, दो नंबर वाली तीन नंबर पे ओवरलैप है, तीन वाली चार पे ओवरलैप है, चार वाली पांच पे ओवरलैप है, सिक्स वाली सेवन पे ओवरलैप है, एट पे भी ओवरलैप है, इलेवन वाली टेन से ओवरलैप है, नाइन से ओवरलैप है, लेकिन सिक्स से ओवरलैप नहीं है, सिक्स वाली वन पे ओवरलैप नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो वन नंबर जो 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 रेड वाली है, ये ग्रीन और ब्लू और इस पे पर्पल पे ओवरलैप नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, इसमें मेरी कोई भी चैनल ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ओवरलैप नहीं करने का मतलब है कि अगर मेरा एक एपी यहां पर है, एक एपी यहां पर है, एक एपी मेरा यहां पर है, ये मेरा चैनल वन में है, ये चैनल सिक्स में, चैनल इलेवन में है, तो मेरे यूजर को कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वही अगर मेरा एक एपी चैनल वन में है, दूसरा मेरा चैनल टू में है, तो यूजर को प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो मेरा ओवरलैपिंग चैनल है वो मेरा सिर्फ 20% ही होना चाहिए यहाँ पर। अगर ज्यादा होगा, मेरा एक चैनल ये है और दूसरा सेल में इसके कर दिया, तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आएगी यूजर को, वो कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट होगा, क्यों, कभी उसको चैनल नंबर वन से अच्छी सिग्नल मिलेगी, कभी चैनल नंबर टू से अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो ये जो चीजें, ये मेरे चैनल को डिफाइन करता है। इस तरह से आपने देखा कि 1611 जो है मेरा नॉन ओवरलैपिंग चैनल है, जिसपे मुझे कोई भी मैं बोल सकता हूं कि इशू नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, जो नॉन ओवरलैपिंग चैनल है तो हम उसपे कैसे उसको हम डिजाइन कर सकते हैं, ताकि मेरा जो चैनल है वो जब डिजाइन करता हूं तो मैं उसी हिसाब से डिजाइन करूं कि मेरा ओवरलैपिंग ना हो। यहां पर मैं आपको एक और डायग्राम के हेल्प से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये जो मेरा आप जो रेड सर्कल देख रहे हैं, ये मेरा है चैनल नंबर वन, ये है चैनल नंबर इलेवन, ये है चैनल नंबर सिक्स। तो जब मैंने अपना वायरलेस साइट सर्वे किया तो मैंने उसी हिसाब से मैंने एपी की प्लेसमेंट रखी कि जो मेरा एपी ए है वो एक उसको मैंने रखा चैनल वन में, दूसरे को रखा चैनल सिक्स में, एक को रखा चैनल इलेवन में, और इनकी जो नॉन जो ये ओवरलैपिंग एरिया ये वाला, इसको मैंने 20% के आसपास रखा है। एग्जैक्ट तो हम मैनेज नहीं मैम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इसको ऑलमोस्ट हमने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है कि मैं ज्यादा ओवरलैप ना हो। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और इसी को अगर चैनल इलेवन को मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता, ऐसे ले लेता, तो ये मेरा ओवरलैपिंग का इश्यू आना शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि चैनल, ये चैनल और ये चैनल इतनी ज्यादा ओवरलैप ना हो कि यूजर को दिक्कत हो कनेक्ट होने में। उससे क्या होगा, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट ड्रॉपिंग बैंडविड्थ इशू सिग्नल इशू बहुत सारे इश्यूज हमें फेस होने लग जाते हैं अगर हम ज्यादा ओवरलैप सेशन बनाते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, कोटेशन में ज्यादा एपी बेचने के चक्कर में और अच्छा सिग्नल देने के चक्कर में हम बहुत सारे एपी लगा देते हैं। एक ही हॉल है, एक छोटा सा हॉल है जिसमें 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, हम उसमें चार एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं। चार एक्सेस पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है कि एक एक्सेस पॉइंट मेरा अप्रोक्सीमेटली 25 यूजर को सपोर्ट करता है। जो एक एक्सेस पॉइंट है वो मेरा 25 यूजर्स को सपोर्ट करता है, तो दो एपी इनफ है मुझे। एक में ईस्ट में लगा देता हूँ, एक में वेस्ट में लगा देता हूँ, मेरा यूजर्स काम चल जाएगा अच्छी तरीके से। बट जो मैं चार लगा दू चारों कॉर्नर्स में, मेरा ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी, मेरा नहीं चलेगा, दैट इज नॉट गुड सेटअप, गुड जैन। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब हम डिजाइन करते हैं। तो ये जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चैनल क्या है, ओवरलैपिंग चैनल क्या होता है, और जब भी हम वायरलेस की सेटअप करते हैं तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सेटअप हमारा डिजाइन जो इनिशियल डिजाइन है, जो साइट सर्वे है, वो इसी पे ही डिपेंड है। अगर हमारी एपी की प्लेसमेंट गलत होगी, हमारा पूरा नेटवर्क डिजाइन गलत हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम बस नेटवर्क को ट्रबल शूट ही करते रह जाएंगे। सो फ्रेंड, जब भी आप वायरलेस आप 2.4 और 5 GHz पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, बट ये जो चीज है इसको हम अपने डिजाइन के थ्रू और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। WLC में हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक चैनल्स को असाइन करते हैं। अगर कोई एपी को लगता है कि मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है तो मैं ऑटोमेटिक चैनल
असाइन कर सकता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ डीसीए डायनेमिक चैनल एसोसिएशन, डीसीए डायनेमिक चैनल एसोसिएशन। ये मेरा डब्ल्यूएलसी का एक फीचर्स होता है जो ऑटोमेटिक करता है, बट हम इसको मैनुअली भी हम अपने मन से भी हम चैनल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें साइड सर्वे, हम एक दो तरह के साइड सर्वे होते हैं, एक होता है प्री इंस्टॉलेशन, एक होता है पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन में हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्चुअल बैंडविड्थ क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, यूजर एक्सपीरियंस क्या है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें अगर आपको कोई भी आपके सजेशन है, कोई कमेंट्स है, प्लीज शेयर करें। और मैं इस वीडियो को आज यही रख रहा हूँ, इससे अगली वीडियो में मैं आपके जो प्रोटोकॉल्स है वायरलेस के 802.11abgn उस पर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको वायरलेस के टेक्नोलॉजी के बारे में सिर्फ अवेयर करना है, उसकी नॉलेज देना है, ना कि कुछ ऐसी थ्योरेटिकल नॉलेज शेयर करनी है। सो आई होप यू enjoyed this video. Thanks for watching, and please subscribe, like and share my channel. Thanks, take care.